अनुराग जी, आप देश की पूरे मतलब पूरे विश्व की एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, और आप हरियाणा की बहू हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हुई, बेटा हुआ, मुबारक हो, लेकिन यहाँ आने का विचार कैसे? थैंक यू सो मच। पहले तो आप सबको भी, आप इवन पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आप सबका है, कुछ ना कुछ है। और देखिए, एक्चुअली कौन कहता है कि आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करते, क्यों? क्योंकि हम किसी गलत फहमी के शिकार होते हैं मोस्टली। मैं बताऊँ, मैं प्राइवेट में ही पहले मैंने सारी चीज़ें कराई थी। हर किसी ने मुझे कहा एक गुस्से कि आपका सिजेरियन नहीं होगा। और लेकिन मैं बचपन से मैंने देखा, मेरी माँ खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, और उन्होंने जितना सरकारी हॉस्पिटल जितने, क्योंकि इनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, और बहुत अच्छे से चीज़ें अपना हर एक पेशेंट को वो वैल्यू देते हैं, वो जो शायद एक प्राइवेट नहीं देता। प्राइवेट के पास जितना एक एक बंदे के पास जितना पैसा है वो उतना वैल्यू उसको मिलता है, लेकिन सरकारी में ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए हमने एक सरकारी हॉस्पिटल चुना है। यहाँ के डॉक्टर्स से लेकर सारा स्टाफ माइंड ब्लोइंग है। और मैंने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ में, सारे पेशेंट्स के साथ में उनका वही बिहेवियर है। और इवन इतना क्रिटिकल कंडीशंस मेरा था कि सब ने बोल दिया था, लखनऊ से लेकर सब ने बोल दिया था कि आपका सिजेरियन ही होगा। उत्तर प्रदेश से दिल्ली, हाँ, दिल्ली से हरियाणा, करेक्ट, प्राइवेट ने आपको हाथ सब सभी हाथ खड़े, हाँ, ऑपरेशन एकदम बोल दिया था। इवन मेरे कार्ड्स पे तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिख दिया है उन्होंने, हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिख रखा है उस पर। और लेकिन बीके के हमारे डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने मीटिंग की अपने डॉक्टर्स के साथ, सारी गायनी के साथ में, हमारे जो सीनियर डॉक्टर यहाँ की बीके की हैं, डॉक्टर पुणिता मैडम, और फिर डॉक्टर अरुणमा मैडम, अरुणा मैडम थी। तो इन लोगों ने जो 90% उन्होंने मुझे बोला कि अरुणमा, हम 90% कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं, अगर 10% ऑफ बेबी भी कोई रिस्क आता फिर हम ओटी में जाएंगे, ऑपरेशन के लिए जाएंगे। और लेकिन सब ने, उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा पेशेंट इतना हिम्मत दिखा रहा है तो एटलीस्ट हमारा तो फर्ज बनता है। तो सब ने बहुत अच्छे से कराया, और फाइनली उसके बेबी के नेक में 2 कॉर्ड्स थे, और फिर उसके ऊपर 1 नॉट्स भी थी, और फिर भी उन्होंने उसको नॉर्मल डिलीवरी किया। तो एक माइंड ब्लोइंग है ये, तो पूरे, मैं तो कहती हूँ पूरे देश के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये सीख लेना चाहिए, जो ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सीख लेना चाहिए कि ऐसी प्रेगनेंसी, क्योंकि चलिए ठीक है आज हमारा है तो आप लोग सभी लोग, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं कोई जानता है, वो आते हैं और उनके साथ करें, तो ऐसा बहुत केसेस वो लोग करते हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे केसेस करते हैं लेकिन उनका आता नहीं है कहीं पे। लेकिन मैं तो ये कहूँगी ऐसे डॉक्टर्स को अप्रिसिएट करना चाहिए, जिससे उनसे बढ़ चढ़ के और पेशेंट्स के लिए वो करें। के बारे में तो कैसी है यहाँ की? नहीं नहीं बहुत अच्छी है। और डॉक्टर विनय जी ने जब से मैं हूँ तब से एटलीस्ट बहुत अच्छा देखा है मैंने। इवन स्टार्टिंग में मैंने किसी को बताया भी नहीं, तब भी देखा, तभी बहुत अच्छी फैसिलिटी, साफ़ सफाई भी अगर आप देख सकते हैं अभी भी बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। और होप सो, मुझे ये लगता है कि आप सब भी अप्रिसिएट करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं, अगर उनको अप्रिसिएट करते हैं तो उनका और मन आगे होता है कि हम और अच्छा काम करें। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहेंगी जो लोग सरकारी के नाम से ही डरते हैं, नहीं नहीं बीके में तो कुछ भी नहीं है, सरकारी है सब कुछ है, लेकिन उनकी वहम है, ये उनका वहम है कि बीके में गए तो ऐसा होगा। नहीं, मैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी उदाहरण हूँ कि सब कुछ, सारे डॉक्टर्स लखनऊ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर यहाँ तक, सब ने जब हाथ खड़ा कर दिया तब बीके ने किया, बीके ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ा है, और एक सिजेरियन ऑपरेशन होने वाले डिलीवरी को एक नॉर्मल डिलीवरी में तब्दील किया है। आपने डिलीवरी में हिम्मत दिखाई, नॉर्मल डिलीवरी आपने, हाँ, हिम्मत के चलते, हाँ, हुई, आपने हिम्मत दिखाई, आपने एवरेस्ट फतेह कर ली। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, आपने कैसे सोचा कि मेरे को वही चढ़ना है? एक्चुअली क्या था कि देखिए, हम नो डाउट कि हम हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे सपोर्टर होते हैं, कहते पर्दे के पीछे के हीरो, तो जितने भी हमारे डॉक्टर्स थे सब पर्दे के पीछे वाले हीरो। मैं तो लकी हूँ कि मैं फ्रंट पे आ जाती हूँ, और मैं सबको इसलिए थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ। और रही बात एवरेस्ट की, कि हाँ वो एक समय था और वो मेरी ज़िंदगी का यू टर्न था। हॉस्पिटल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, फिर हॉस्पिटल, फिर ज़िंदगी ने यू टर्न लिया, और फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इवन सिर्फ टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं, पूरा वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स मैंने सबमिट किए हैं।
और नेक्स्ट मैंने टारगेट्स लिए भी इसीलिए, मैंने ज़्यादातर कोशिश की कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल, अगला टारगेट साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम गौरव सिंह है। गौरव जी, अरुणिमा सिंह, डॉक्टर अरुणिमा सिंह जी ने बच्चे को जन्म दिया है, आपको सरकारी अस्पताल ही क्यों चुना, क्योंकि आप तो क्या नाम है पेशेंट हूँ सर। एक ओपन सीक्रेट है जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए हम ज़रूर ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि भाई एक सरकारी मास्टर लगने के लिए आदमी को कितनी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है, वो वही जानता है जो लगता है। और तो एक गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है उसकी एक्सपर्टीज़ और उसकी प्रैक्टिस का लेवल, उसके पास एक दिन में हजारों लोग ऐसे आते हैं जो हर स्तर से हैं, समाज के हर स्तर से आ रहे हैं, उन लोगों को वो ट्रीट करते हैं, उनसे उनको एक रुपये का लालच नहीं होता है कि भाई वो आएंगे भाई तुम्हारा इतना रुपया होगा या इतनी बार वो विजिट करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, बला बला कुछ नहीं होता है उनका। तो वो उनकी आदत, उनकी एक अच्छा इकोसिस्टम बन चुका होता है कि भाई दे हैव टू ट्रीट देयर पेशेंट विद एथिक्स एंड इन फेवर ऑफ देयर पेशेंट। वो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं लिखेंगे कि भाई अननेसेसरी लिख देंगे, मतलब कि उनका उनके ऊपर बिलीव करने के, अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी होगा जो कि जानते ही हैं आप सब कि भाई वो करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और सही है। इससे पहले प्राइवेट में भी दिखाया होगा आप, जब प्रेगनेंसी रही होगी जी, उन्होंने क्या कहा? और सर प्राइवेट में हमने दिखाया, प्राइवेट में जिस भी डॉक्टर के पास जाते क्योंकि बेबी की कॉर्ड गले में थी 2 टाइम, तो वो बोलते थे कि सिजेरियन होगा ब्ला ब्ला। तो हम थोड़ा, अरुणिमा जी स्पोर्ट्स से हैं तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बार इसको नॉर्मल के लिए आप ट्राई कीजिए, क्योंकि अरुणिमा जी की जो माँ है वो भी मेडिकल लाइन से थी और उन्होंने भी डिलीवरीज कराई थी, तो वो जान रही थी कि भाई ये चीज़ें ये बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअलिटी में 3-3 अगर कॉर्ड भी होती हैं तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। और प्राइवेट में किसी में भी जा रहे थे वो सिर्फ ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, नॉर्मल के लिए ट्राई करने तक भी राजी नहीं हो रहे हैं। तो जब यहाँ पे डॉक्टर विनय जी से बात हुई, CMO हैं सर, उनसे मतलब कि आपकी के मीडिया किसी फ्रेंड के थ्रू बातचीत हुई थी, और उन्होंने कहा कि मैडम आप परेशान ना होइए, जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर प्रोनीता जी हैं, बहुत डिसेंट लेडी हैं, और अरुणिमा जी तो कहती हैं कि बछेंद्री पाल जी वो भी माउंटेन से रिलेटेड हैं, और डॉक्टर प्रोनीता जी आसाम से हैं, अगर लुक वाइज देखा जाए तो एक जैसा उनका वो है। उन्होंने इतना अच्छे से डील किया और इतना चैलेंजिंग केस को इतना हंसते हुए उन्होंने सब चीज़ों को आगे बढ़ाया। उनके साथ टीम में मेंबर थी डॉक्टर अरुणा जी और पूरी टीम थी, मतलब कि कुछ लोगों के मैं नाम नहीं भी जान रहा हूँ। तो उन्होंने इतना अच्छे से डील किया और सब चीज़ों का इतने क्विक डिसीजंस लिए, और मतलब कि सारा का सारा एक्सपर्टी, हमें एक मिनट एक सेकंड के लिए ये नहीं लगा कि भाई हम कहीं गलत जगह आ गए। सरकारी अस्पताल है, लोगों की अलग ही धारणा होती है इसको लेकर के, आप सरकारी अस्पताल में आए, आपने डॉक्टर एक्सपीरियंस देखा, सब कुछ देखा, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बता दीजिए, उनकी जो एक्सपीरियंस के बारे में। सर मैं ये कहूँगा कि मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कि बादशाह खान हॉस्पिटल जा रहा हूँ, BK हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो उन्होंने एक ऐसा शब्द यूज़ किया कि भाई इतना गंदगी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, कहाँ जा रहे हो, ये वो। तो मैंने कहा कि भाई देखो, हमें अगर हम कोई एक गाड़ी खरीदते हैं तो हम ये नहीं देखते उस पर स्टिकर कैसे लगे हुए हैं, हम ये देखते हैं उसका इंजन दमदार हो, चेचिस अच्छी हो। अगर हॉस्पिटल जिसमें हम जा रहे हैं उसमें डॉक्टर ही अच्छे नहीं हैं, डॉक्टर का ही माइंडसेट ये है कि भैया नहीं हम पहले काट ही देंगे, ऑपरेशन ही करेंगे, तो एक बार वो ट्राई करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें नोट की कि भाई इतनी गंदगी होती है, आप अगर थोड़ी देर आप कैमरे को घुमाएंगे यहाँ पे कहीं भी डस्ट का एक पार्टिकल नहीं मिलेगा, बाथरूम प्रॉपर क्लीन है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आप एक अनहाइजीनिक जगह पे आ गए। और मतलब कि हमें, मैं तो अपने उस दोस्त को इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि भाई होता होगा कहीं, लेकिन ये बादशाह खान हॉस्पिटल हमारे एक्सपीरियंस में एक नंबर, मतलब प्राइवेट से या फिर कोई भी अगर हॉस्पिटल हो तो उसको फेल कर रहा है आज की डेट की सुविधा के हिसाब से। ये दोस्त के लिए भी, सभी के लिए मैसेज, ये मेरा सबके लिए मैसेज है, उसके माध्यम से मैं सबके लिए बोल रहा हूँ सर। बेटा हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी है, कितनी खुशी है, शब्द नहीं है सर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई एक लड़की जिसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, इतने उसको स्टेरॉयड दवाइयाँ चढ़ चुकी थी और वो चाह रही थी कि यार एक बार ट्राई कर लिया जाए एटलीस्ट, क्या हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ ने भी कई ऐसे क्रिटिकल केसेस को नॉर्मल डिलीवरी कराई है, तो एक बार मेरा भी कोई करा दे, कोई राजी नहीं हुआ। इवन तो मतलब कि बहुत जगह हम घूमे हैं सर, और बहुत लंबी यात्रा करने के बाद डॉक्टर प्रोनीता जी
और डॉक्टर अरुणा जी और सीएमओ सर का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, डॉक्टर विनय जी का, जिन्होंने सारी फैसिलिटीज़ को इतना अच्छा लाइनअप किया कि एक भी चीज़ ऐसी नहीं चूकी कि वे जिसकी वजह से कुछ कमी रह सके।